तू दो कोड़ी का आदमी, तेरी जबान इस लायक नहीं कि गरीब नवाज का नाम ले सके। मोदी सरकार ने इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर वो दिल से चादर बेचते हैं, उनकी अकीदत गरीब नवाज की बारगाह से जुड़ी है, तो हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे नीच पत्रकार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अमीश देवगन के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अमीश देवगन का पुतला भी जला रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां ख्वाजा गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी करने पर अमीश देवगन का पुतला जलाया गया। इसी तरह से दूसरी तस्वीर भी प्रयागराज की है, जहां सड़कों पर न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन का पुतला लिए मुर्दाबाद के नारे लोग लगा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने बाद में अमीश देवगन के पुतले को आग लगा दिया। लोगों का कहना है कि गरीब नवाज के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हुकूमत से न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अमीश देवगन हाय हाय, अमीश देवगन हाय हाय, अमीश देवगन हाय हाय, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, खाजा की गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जूते मारो सालों को, देश के इन गद्दारों को, जूते मारो सालों को, देश के इन गद्दारों को, जूते मारो सालों को। आज हम लोग यहाँ तमाम खुद्दाम ख्वाजा और मुसलमानों ने अजमेर इकट्ठा हुए हैं इस बात को लेकर कि उस शैतान अमीश देवगन पत्रकार, जो पत्रकारिता के नाम पर एक बदनुमा दाग है, उस जैसे पत्रकार की वजह से पूरी पत्रकारिता बदनाम होती है। ऐसे पत्रकारों को पत्रकारिता से बहिष्कार करना चाहिए, उसको इस अपनी कमेटी से निकाल देना चाहिए। गरीब नवाज की बारगाह की, गरीब नवाज की शान में इस शैतान ने जो गुस्ताखी करी है, ये कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं, छोटी मोटी हस्ती नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में गरीब नवाज को अमन और चैन के पैगाम से जाना जाता है। गरीब नवाज सरकार के बारे में उस शैतान ने कहा कि लुटेरा। अब शैतान तू दो कोड़ी का आदमी, तेरी जबान इस लायक नहीं कि गरीब नवाज का नाम ले सके। तुझ जैसे शैतान ने जो गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करी है, इसकी सज़ा तुझे कानून तो देगा ही, लेकिन दूर वो दिन नहीं जिससे तेरी दीन और दुनिया में जिल्लत होगी। और हम आशिकान गरीब नवाज, खुद्दाम गरीब नवाज ये पैगाम देते हैं, अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई सख्त कार्रवाई ना की गई तो ये एहतजाज यहाँ नहीं रुकेगा। अभी हम लॉकडाउन की पालना करते हुए बड़े ही नम्रता के साथ, बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से इसका पुतला फूका है, इसका विरोध जताया है। अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और पूरे हिंदुस्तान की एकता को जो तोड़ना चाहता है, फिर ना कहना कि मुसलमान गलती करता है। बार बार मुसलमान और उसके सांप्रदायिक को, उसके माहौल को, उसकी अकीदत को, उसकी भावना को ठेस पहुँचाया जा रहा है। इससे पहले तो हुआ नहीं करता था। 6 साल से मोदी सरकार आई है, उसके बाद ही आप देखो मस्जिदों पर, मंदिरों पर, दरगाहों पर मुसलमानों पर दिन ब दिन हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? एक धर्म विशेष को टारगेट बनाने का मकसद क्या है? मैं जवाब चाहता हूँ मोदी सरकार से। वो कहता है सबका साथ सबका विकास, इतनी बड़ी बारगाह जिसके अंदर वो चादर भेजते हैं अपनी, मोदी सरकार अभी उरद शरीफ में अपनी चादर भेजी, क्या उनकी अकीदत गरीब नवाज की बारगाह से नहीं जुड़ी है? अगर वो दिल से चादर भेजते हैं, उनकी अकीदत गरीब नवाज की बारगाह से जुड़ी है, तो हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे नीच पत्रकार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।